और इस बार सावन का 8 सोमवार है तो 8 जाइएगा। अच्छा, आप लोग चलते ही रहते हैं लगातार। चलिए बोल बाब, आप लोग कहाँ से हैं? हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। दोस्तों, रात्रि का एक बार फिर से आपको हम अपडेट दिखा रहे हैं, किस प्रकार देख रहे हैं बोल बम, कांवरिया बम और डाक बम। सभी प्रकार के भक्त जो है देख रहे हैं अभी रात्रि में यात्रा में चल पड़े हैं, और अभी हम दिखा रहे हैं ये रात्रि के 10 बजे वाला नज़ारा किस प्रकार है। और लगातार जो है यहाँ पर देख रहे हैं सेवाएँ अच्छी तरीके से दिए जा रहा है कांवरिया पथ पर, और बहुत सारे अभी जो है भीड़ वाला तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों रात्रि में देख रहे हैं हम आप सभी को डाक बम और बोल बम दोनों एक साथ दिखा रहे हैं कांवरिया पथ पर, और रात के 10 बजे भी चल रहे हैं कांवरिया पथ पर। कांवरियों की संख्या जो है लगातार चलते ही जा रहा है, और यहाँ से देख रहे हैं कितने सारे कांवरिया एक साथ देखने को मिले हैं, और पीछे देख रहे हैं डाक कांवरिया आ रहे हैं 2-3 की संख्या में यहाँ पर देख पा रहे हैं। बोल बम, और यहाँ से देख रहे हैं चल पड़े हैं आगे बाबा नगरी देवघर की ओर। और आप सभी का जो भी डाउट था दोस्तों कि डाक बम को लेकर के, कि रात में अभी के समय में मलय मास में कांवरिया लोग जा रहे हैं या नहीं जा रहे, बहुत सारा कमेंट आया, बहुत सारे को हमने रिप्लाई दिया। बहुत सारे कह रहे थे कि हम 28 के ग्रुप में जा रहे हैं, कोई 10 के ग्रुप में, कोई 12, कोई 15, कोई 20 के ग्रुप में। ऐसे बहुत सारे लोगों ने जैसे कि कह रहे थे कि एक बार दिखाइए कि जो है अभी बताइए, उनकी जानकारी दीजिए कि अभी जो है डाक कांवरिया डाक बम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसे ही नज़ारा देखने के लिए और जानकारी लेने के लिए आप लोग हमेशा सवाल करते रहते हैं। फिलहाल तो हम देख रहे हैं अभी यहाँ पर रात्रि का जो नज़ारा दिखा रहे हैं बिल्कुल पहाड़ों वाला कांवरिया पथ पर देख रहे हैं। दुकानों में जितने कांवरियाँ हैं सभी विश्राम में हैं, और रास्ते में देख रहे हैं बिल्कुल खाली है, बस अभी जो है डाक कांवरिया ही नज़र आते हैं, और बोल बम की संख्या बहुत कम है। बोल बम कांवरियों वाला, कांवर वाला बहुत कम संख्या में अभी भी जा रहे हैं, लेकिन चलते ही जा रहे हैं। और सामने देख रहे हैं कितने सारे दुकानों में एक साथ एक जगह पर हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं कितने सारे कांवरिया आ रहे हैं। फिलहाल तो यहाँ पर 2-3 की संख्या में है, और हम जो है कांवरिया पथ पर बढ़ते जा रहे हैं आगे, और आगे बढ़ते हुए दिखाते जा रहे हैं कि आगे नज़ारा किस प्रकार है रात्रि वाला। और यहाँ पर देख रहे हैं 5-6 की संख्या में कांवरियाँ हैं, और ये सभी देख रहे हैं इस टाइम में यात्रा को शुरू कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पर विश्राम करने के बाद रात के 10 बजे ये सभी कांवरिया लोग देख रहे हैं यात्रा को शुरू कर रहे हैं, और ये लोग रात भर चलते ही रहेंगे, तभी तो सुबह तक ये कुछ दूर तक निकल जाएँगे। और यहाँ से आगे देख रहे हैं पहुँच रहे हैं, और आगे देख रहे हैं बहुत सारे कांवरिया आ रहे हैं, और डाक कांवरिया भी आ रहे हैं। डाक बम को दोस्तों अभी आने का टाइम हो जाता है, जैसे जलेबिया पहुंचने वाला होता है तो उनका जो है टाइम हो जाता है 8:30-9 बजे के बाद ही दोस्तों ये जलेबिया पहुंचते हैं सुल्तानगंज से। तो अभी जो है रात्रि के 10 बजे पहुंच चुके हैं, कितने सारे कांवरिया जो है डाक कांवरिया चलते आ रहे हैं और अभी जो है देख रहे हैं ये अभी ज़्यादातर प्रत्येक सोमवारी और महीनवारी डाक कांवरिया चलते हैं, जो कि हम दिखा पा रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कितना सारा एक बड़ा ग्रुप आ रहा है कांवरियों का यहाँ पर। आप लोग बम जी प्रत्येक सोमवारी वाले हैं? सोमवारी पूर्णिमा, हर एक पूर्णिमा को भी, और इस बार सावन का 8 सोमवार है तो 8 जाइएगा। अच्छा, आप लोग चलते ही रहते हैं लगातार। चलिए बोल बम, आप लोग कहाँ से हैं? चलिए हर हर महादेव। और यहाँ से देख रहे हैं आगे कितने सारे और भी डाक बम आ रहे हैं, डाक कांवरिया आ रहे हैं, और लगातार देख रहे हैं अब हम जो है यहाँ पर बढ़ते ही जा रहे हैं, और थोड़ा सा और बढ़ते ही जा रहे हैं। देख रहे हैं वन क्षेत्र किस प्रकार दिख रहा है, लेकिन लाइटों से चमकता हुआ अभी भी जो है कांवरिया पथ बहुत अच्छा ही दिख रहा है। रात्रि के नज़ारों में बहुत ही खूबसूरत लगता है, और सबसे ज़्यादा खूबसूरत तब लगता है जब कांवरिया पथ पर कांवरिया नज़र आते हैं, जैसे कि अब यहाँ से फिर से कांवरिया दिखने लगे हैं, और बहुत सारे यहाँ पर देख रहे हैं आ चुके हैं इस मोड़ पर, और यहाँ से आगे दिखाएंगे किस प्रकार आते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डाक कांवरिया नज़र आ रहे हैं, और बोल बम कांवरिया भी नज़र आ रहे हैं, तो लगातार जो है चलते ही जा रहे हैं देवघर यात्रा में। तो दोस्तों उम्मीद है कि जो है आप सभी को डाक कांवरिया को लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूजन था, डाउट्स था, वो क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि ये रात्रि का अपडेट हम दिखा रहे हैं, ये मलय मास का पहला सोमवारी का ये अपडेट है। तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। ये मलय मास का पहला अपडेट, पहला सोमवारी का। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ।